महाराज के इश्क बड़ा रे सावन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़े गए सब जहां। ओ एक तेरे इश्क बिना उड़े गए सब जहां। इश्क बड़ा रे समान ना कोई कथनी इश्क की और कोई कथियो हो जिन। हाँ ना कोई कथनी इश्क की और कोई कथियो जन। इसक आगे चल गया, इसक आगे चल गया, शब्द समाना सुन, शब्द समाना सुन। इश्क बड़ा रे समान में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़े गए सब जहां। ओ एक तेरे इश्क बिना उड़े गए सब जहां। पलक पल नाले बई दसों दिशानैन फिराए। हो पलक पल नाले बई दसों दिशानैन फिराए। देहा बिना दौड़ो अंदर, देहा बिना दौड़ो अंदर, पिया कित मिल से कहाँ जाए, पिया कित मिल से कहाँ जाए।
ईशक बड़ा रे समान में ना कोई ईशक समान, एक तेरे ईशक बिना उड़ गए सब जहां, एक तेरे ईशक बिना उड़ गए सब जहां। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में महामत कहे यूं पाइए, पार निकस के पूरन होइए, तब फेर सब दृष्टे दिखाइए, तब फेर सब दृष्टे दिखाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्वसुंदर साथ की। रे जीव जी जिन करो आसों ने हड़ा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, रोज चर्चा, नित्य चर्चा, नित्य नियम, नित्य जीवन, नित्य आराधना, नित्य भक्ति देखिए, जो रोज ही चले अविराम गति से, आराम और विराम नहीं है, गतिवान है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसके जीवन में विश्राम नहीं है। विश्राम करता है तो भी राज्य को याद करके, तो ऐसी भक्ति अविरल भक्ति होती है, अखंड भक्ति, अनपाइनी भक्ति कहते हैं ना। तो इस प्रकार की भक्ति में हम लोग जुड़े हुए हैं। जब से हम प्रणामी बने, श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के जब से हम अनुयायी बने हुए हैं, तब से हमारी भक्ति अविरल भक्ति है, कभी भंग होने वाली भक्ति नहीं है, टूटने वाली, छूटने वाली। देखिए ना, कभी कभी सेवा पूजा छूट जाए, ऐसी हमारी भक्ति नहीं होती, नहीं छूटेगी। सेवा पूजा करते हैं तो करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। समय कभी कम ज़्यादा हो सकता है, पर छोड़ेंगे नहीं, नहीं छूटेगी पूजा। ऐसे ही कंठी गले में हमने बांध लिया है तो बांध लिया, नहीं छोड़ेंगे कभी भी। कभी कभी आप बीमार पड़े तो एक्सरे के लिए जाते हैं ना, छाती की एक्सरे लेनी हो तो जो टेक्नीशियन होता है एक्सरे का, बोलता है सब गले में जो कुछ भी आपने डाला है उतार डालो। तब आप कहेंगे और सब उतारेंगे, हमारी कंठी नहीं उतरेगी, क्योंकि ये अखंड है, अविरल है। तो देखिए हमारी भक्ति एक जगह नहीं है, कई जगह। हम निज नाम का जाप करते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि पहले निज नाम जपते थे, ऐसा नहीं कहेंगे। पहले भी जपते थे, आज भी जपते हैं, आगे भी जपते रहेंगे, अंतिम श्वास तक हम जपते रहेंगे, अजपा जाप की भांति। अंतिम श्वास तक हम सेवा करते रहेंगे, जो कुछ सेवा हमसे बन पड़े हम करते रहेंगे, अविरल, अखंड, अनवरत भी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारी चर्चा भी चल रही है, हम लोग चलाते आ रहे हैं।
पहले गुरु महाराज चलाते थे, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज, वो अपने मुखारविंद से चर्चा करते थे। सुबह सुबह यही समय मूल मंदिर में, बाजार के मूल मंदिर में जो उन्होंने सबसे पहले बनाया मंदिर, उस मंदिर में चर्चा होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब से मंगलधाम बना, चर्चा यहाँ आ गई। फिर क्योंकि यहाँ सुंदर साथ आते जाते रहते हैं, यहाँ मंगलधाम में भी मंगलधाम परिवार भी बड़ा है, तो चर्चा हम लोग चलाते रहते हैं अविरल गति से। उसी रस को आप सब भी पान कर रहे हैं। और विज्ञान ने ऐसी सुविधा दी कि ऑनलाइन अब जो भी करो ऑनलाइन लाइव, ये सब विज्ञान की सुविधा है। देखिए कोई ज़माने में समय में सुंदर साहब हमसे बोलते थे कि दूसरे संतों के प्रवचन आते हैं, आप लोग भी करिए ना। तो हम लोग चैनल वाले से बात करें तो बड़ा बड़ा अमाउंट वो लोग बोलते थे, महीने में इतना भरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा उतने में तो हम लोग संस्था चला लेते हैं, केवल एक प्रवचन के लिए इतना खर्च करना ये उचित नहीं है। पर जब से यूट्यूब का आया, सोशल मीडिया, तब से सबके लिए सुलभ हो गया। राजनीति करने वालों के लिए भी, साहित्य साधना करने वालों के लिए, संगीत साधना करने वालों के लिए, प्रवचन करने वालों के लिए तो बड़ी सुविधा हो गई। तो उसका लाभ हम लोग भी ले रहे हैं, जीवन में उसको उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आज जो वेदांत के प्रकरण तो पूरे हो गए, 6 प्रकरण, उसको हमने चखा, उसका रसपान किया। आज से जीव देह संवाद ये प्रकरण है, राग गौरी में सायंकाल जो राग गाया जाता है उस गौरी राग में श्री जी ने इस प्रकरण को सजाया है। तो कहते हैं रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा, हे जीव आत्मा इस शरीर से ज़्यादा स्नेह न रखो। क्यों क्यों कई लोग होते हैं ना शरीर धर्म पालन करने वाले, बस मैं मेरा शरीर, मेरे शरीर को भूखा नहीं रखना चाहिए, प्यासा नहीं रखना चाहिए, मेरे शरीर को नींद आ रही है तो विश्राम चाहिए, आराम चाहिए मेरे शरीर को, ऐसा करके गुरुजी ने मंगल सुक्ति में कहा ना कि शरीर के पुजारी मत बनो, आत्मा के पुजारी बनो। इसी प्रकरण का सार ढूंढ करके गुरुजी ने सुक्ति बनाई कि अधिकांश लोग शरीर के पुजारी होते हैं, मैं मेरा शरीर, तो शरीर धर्म में संलग्न होते हैं। पर श्री जी का ज्ञान है कि आत्मा धर्म को भी समझो। देखिए कई शरीर के शरीर प्रेमी होते हैं, कई परिवार प्रेमी होते हैं, कई पैसा प्रेमी होते हैं ना, और कई परमात्मा प्रेमी होते हैं। देखिए लोगों का प्रेम किधर किधर होता है, नेहड़ा का ना, श्री जी ने एक नेहड़ा शब्द प्रयोग किया, तो नेहड़ा शब्द का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह प्रेम। तो शरीर से प्रेम करने वाले शरीर में ही सीमित रहेंगे जब तक शरीर साथ दे रहा है, पर शरीर कब तक साथ देगा, एक दिन शरीर छोड़ देगा, एक दिन तो ये सांस भी छोड़ देती है ना। कैसा देखिए कैसा गजब का ये खेल है कि जो सांस हम ले करके जी रहे हैं ये सांस ही हमको छोड़ देगी, सांस आना बंद, वो चला गया दुनिया से, सांस ने छोड़ दिया, फिर शरीर ने भी आत्मा को छोड़ दिया, जीव को छोड़ दिया, ऐसी स्थिति भी तो एक दिन आती है। इसलिए केवल शरीर धर्म पालन करना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, हम उससे आगे बढ़ें तो कहाँ बढ़ें। फिर परिवार धर्म है, परिवार की सेवा करो, परिवार को आगे बढ़ाओ, परिवार भूखा न रहे प्यासा न रहे। ये शरीर धर्म से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जिस परिवार में हम हैं उस परिवार को
साथ देना ही चाहिए, उस परिवार को ऊपर उठाना ही चाहिए, भूखा प्यासा न रहे। पुरुष है तो कमाई करके लाए, महिला कमाई करती है तो भी अच्छी बात है, नहीं करती है तो भोजन बना करके खिलाए परिवार को, परिवार का पोषण करे, परिवार धर्म। पर परिवार धर्म में ही सीमित रह जाना ये भी कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो एक कर्तव्य मात्र है। फिर उससे एक और धर्म है, पैसा धर्म। लोग पैसे में ही लगे रहते हैं ना, कमाई पैसे, टका धर्म टका कर्म ऐसा कहते हैं ना वो लोग। हमारा धर्म है पैसा कमाना, हमारा धर्म है कर्म है पैसा कमाना, ऐसे पैसा प्रेमी। उनको पैसा मिल जाए खुश हो जाएंगे, नहीं मिला नाराज हो जाएंगे। पर ये भी कोई पुरुषार्थ नहीं, ये तो मोह हो गया। और अंत में एक प्रेमी है परमात्मा प्रेमी, प्रभु प्रेमी कहिए परमात्मा प्रेमी कहिए, उसका प्रेम परमात्मा से। पैसा आएगा जाएगा, परिवार है सो ठीक है, शरीर मिला है ठीक है, पर यह शरीर भक्ति करने के लिए मिला है, केवल दुनिया के कमाई के लिए नहीं मिला है, राज्य को याद करने के लिए भी शरीर मिला है। इसलिए इस शरीर से कुछ भक्ति हो जाए, सेवा हो जाए, सत्संग हो जाए, सत्कर्म हो जाए, सत्शास्त्रों का अध्ययन हो जाए, ऐसे इस शरीर को उस कार्य में लगाना है। तो श्री जी कहते हैं अरे जीव, रे जीव जी, जीव को जी से भी श्री जी ने संबोधन कर दिया, सम्मान देते हुए, अरे जीव जिन करो यासों नेहड़ा, इस शरीर के प्रेम में, शरीर के मोह में, शरीर के आकर्षण में भूले न रहो, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, कहले प्रभु नाम हरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। भरोसा नहीं है इस शरीर का, न सांस का भरोसा है, न शरीर का भरोसा है। इसीलिए एक कवि कहता है क्षणभंगुर जीवन की कलिका, जीवन की जो कली है ना वो क्षणभंगुर है। कली किसको कहते हैं, फूल के कोपल को, जिसको कल फूलना है। ऐसे जो कोपले होते हैं, किसलय भी उसको बोलते हैं, किसलय कोपल को, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए और एक कवि ने क्या कहा, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूल फूल चुन ले गया कल हमारी बार। तो कोपलें जो है ना फूल की, कल जिनको फूलना है, वो माली को आते देख करके घबरा जाती है, कहते हैं कि अरे माली तुमने आज फूल फूल को चुना, कल हमारी बार हो जाएगी। मैं देखता हूँ जो मुर्गे मारते हैं ना, मुर्गे बेचते हैं, वो लोग कैसे पकड़ पकड़ करके ग्राहकों को मार करके बेचते हैं ना, तब और मुर्गे भी यही सोचते होंगे तुमने अच्छे अच्छे मुर्गे को पकड़ लिया, कल हमारी बारी आ जाएगी। ऐसे ही कलियां बोलती हैं, फूल फूल चुन लेकर के गया अरे माली, कल हमारी बारी आ जाएगी, कल हमें चुनेगा। तो माली क्या है, काल। काल किस किस लोगों को चुन रहा है, हो सकता है कोई ना एक दिन हमारी भी बारी आ जाए। इसके लिए काल आने से पहले ही कुछ सत्कर्म करें, भजन भक्ति करके आत्मा को जगा दें कि काल का भय न रहे, काल से हम कालातीत बन जाएं। इसके लिए ये हम लोग सत्संग सुन रहे हैं और राज्य को याद कर रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने यही समझाया, तो कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल हम ये फूल की सुगंधी लेंगे, मलयाचल से आने वाले शीतल चंदन की सुगंध कल हम लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई काम कल पे छोड़ना ही नहीं चाहिए, आज करें, अभी करें, इसी वक्त करें, जो भक्ति करने का मौका मिले तो उसको कल पे छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि
कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये काल जो है ना, कली का जो काल है वो जल्दी आने वाला है, और युग में काल जल्दी नहीं आता है, पर कलयुग में काल जल्दी आ जाता है, समय ही छोटा है। तो कुठार लेकर के, अपने हथियार लेकर के वो आता है, हथियार से मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तन नम्र है, चोट झिली न झिली, इस शरीर से उसकी चोट को झेल नहीं पाओगे, इसीलिए कहले प्रभु नाम हरि रसना। कभी कहता है अरे मेरी रसना, बोल मेरी रसना, राज श्यामा धुन लगाते हैं ना, अरे मेरी रसना, राज्य के नाम को लिया करो। फिर अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में तू हिलेगी कि नहीं हिलेगी, क्योंकि रसना का हिलना भी बंद हो जाएगा ना, शरीर की क्रियाएं जब बंद हो जाएंगी तो रसना का हिलना कहाँ रहेगा, वो भी रुक जाएगी, नहीं हिलेगी। रसना नहीं हिलेगी तो राजश्यामा होगा ही नहीं, राजश्यामा बोलने के लिए कुछ ना कुछ जीव का सहयोग चाहिए। तो जिन करो यासो नेहड़ा, श्री जी ने कहा शरीर के प्रीति में, शरीर के मोह में पड़े न रहो हे जीवात्मा। जाको सन्मुख नाई शरम, इस शरीर को शरम नहीं है ना, भरी सभा में भी कभी कोई बीमारी हो जाती है इस शरीर को, हम कहीं जा रहे हैं यात्रा में जा रहे हैं वहीं बीमारी हो जाती है। तो देखिए शरीर को ये नहीं पता होता है कि यात्रा पूरी हो जाए फिर हम बीमार बने, सभा पूरी हो जाए फिर हम कुछ गड़बड़ी हो जाए तो बाद में हम शुरू करें, ऐसे किसी को शर्म हो तो ऐसे करते हैं ना। जैसे इसमें हम ये भी समझ सकते हैं, कई कई लोग क्या है, गुस्सा आता है ना तो वहीं बोल पड़ते हैं ना, जहाँ गुस्सा आया वहीं बोल पड़ते हैं, पर थोड़ी सी शर्म हो तो नहीं बोलेगा, फिर लोग मुझे क्या कहेंगे, भरी सभा में हम गुस्सा कर रहे हैं लोग क्या समझेंगे, इसलिए तब गुस्सा नहीं करेंगे। बाद में किसी पे गुस्सा करना है तो एकांत में करेंगे। गुस्सा तो एक पे आता है ना, सब पे तो नहीं आता, और गालियाँ सबको देते जा रहा है, सब सुन रहे हैं उसकी गाली को। कभी कभी मैं ड्राइवरों को देखता हूँ, क्योंकि यात्रा में कई ड्राइवरों अपनी गाड़ी लेकर के तो सब जगह जाते नहीं हैं, कई कई ड्राइवर ही तो गाड़ी चलाते हैं, वही तो इधर से उधर पहुँचाते हैं। सामने वाले की कोई गलती हुई या उसकी खुद की गलती है तो उसको डांटना चाहता है, वो तो गाड़ी लेके कहाँ पहुँचा, जो पैसेंजर पीछे बैठते हैं उनको सुनना पड़ता है। तो देखिए, क्योंकि उसको शर्म नहीं है ना, किसी बात की शर्म हो जाए तो आदमी ऐसी बात नहीं बोलता है, भरी सभा में भी गुस्सा नहीं दिखाएगा, यात्रा में भी गुस्सा नहीं दिखाएगा। कभी कभी लोग यात्रा में गुस्सा दिखाते हैं, तो शर्म बहुत बड़ी चीज़ है कि ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे आ जाए दिमाग, दिल दिमाग में आ जाए तो हम लोग सही इंसान बन करके, सच्चे इंसान बन करके हम चल सकते हैं, अन्यथा जहाँ भी आदमी को अहंकार आता है ना, वहीं गुस्सा दिखाएगा, वहीं लोभ दिखाएगा, वहीं क्रोध दिखाएगा, वहीं अपना घमंड, अपना अहंकार वो प्रदर्शित करते रहता है। तो ये शरीर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, जिसके भरोसे हम चलते हैं, मेरा शरीर ठीक ठाक है, पर कब डायरिया शुरू हो जाए, कब सर्दी खांसी शुरू हो जाए, थोड़ी सी ठंडी में निकले तो सर्दी खांसी शुरू हो जाती है, फिर शरीर सेवा के योग्य नहीं रहता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, ये देखने आए हो आप परम धाम का जो शरीर है वो तो सत चिद आनंद से परिपूर्ण शरीर है, वहाँ रोग बीमारी कुछ नहीं है, पर ये संसार का शरीर आप देखने आए हो, पंच तत्व का शरीर आप देखने आए हो, तो इसके हिसाब किताब को देखो, ये भरोसेमंद नहीं है, इसका विश्वास हमेशा नहीं रहेगा। जाको सन्मुख नाई शरम, क्योंकि इस शरीर को अब शरम है ही नहीं। तासो नहीं मिलवे को धर्म, इस शरीर से मिल करके रहना, जीव आत्मा को हमेशा शरीर से मिल करके रहना, ये उसका धर्म नहीं है। जीवात्मा का धर्म है परमात्मा को याद करना, केवल शरीर को याद करने से मैं मेरा शरीर, मैं मेरा परिवार, इतना ही याद करना, ये कोई जागृति का मार्ग नहीं है, आत्मा जगाने का मार्ग नहीं है। इसलिए है जीव, अपने धर्म को समझो,
अपने अस्तित्व को समझो, अपने मार्ग को समझो, अपनी परंपरा को समझो, केवल शरीर के मोह में न पड़ो। ये तो भुलावनी कोई भ्रम, ये शरीर क्या है, एक भुलावनी बाजार की तरह है। और भ्रम भी है इस शरीर में, बहुत ज़्यादा भ्रम भी है इस शरीर में। आप देखिए शरीर में क्या क्या दुर्गुण है। आलस्य एक दुर्गुण है इस शरीर में, आलस्य बहुत बड़ा दुर्गुण है मानव का, क्योंकि जब भक्ति करने का समय होता है तब आलस सताने लगती है ना, कि क्यों जाएं, थोड़ी देर में जाएंगे, बाद में जाएंगे, ऐसे सोचते रहेंगे तो वह दुर्गुण हमारे शरीर को क्या करता है कि अपने बस में कर लेता है, उसके बस में हम हो जाते हैं। फिर शरीर का रोग व्याधि तो शरीर के दुर्गुण हैं ही हैं, बुढ़ापे शरीर का दुर्गुण है, बुढ़ापे हो जाना। देखिए कोई बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करना चाहता है, वृद्ध हो जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हम बुढ़े हो जाएं, कोई नहीं सोचता है, हम जवान ही रहें। और कभी किसी को बुढ़े आदमी कहने से मन में दुख भी होता है ना, ऐसा मुझे क्यों बोला जा रहा है, नहीं बोलना चाहिए। पर शरीर तो बुढ़ा होगा ही होगा, आज कल परसों करते हुए उम्र हमारी जो आयु है ना, ये बीतती जा रही है और हम बुढ़ापे की ओर चले जा रहे हैं। तो ये सब शरीर के दुर्गुण हैं, आलस करना, रोग से ग्रस्त हो जाना, बुढ़ापे की ओर चले जाना, तो ये भुलावनी का बाजार है। हम सोचते हैं शरीर अमर रहेगा। जैसे हम लोग गुरु महाराज के पास थे ना, तो गुरु महाराज ऐसे हाथ करके ऐसे चमड़ी को पकड़ो ऐसा कहते थे। तो क्यों गुरु जी ऐसा पूछने से बोलते थे, देखो बुढ़ापे होने के बाद ना ये चमड़ी को ऐसे पकड़ो तो धीरे से चमड़ी बैठती है, और जवान जो होते हैं चमड़ी को ऐसे पकड़ करके उठाओ तो फट से बैठ जाती है। वो जवानी की निशानी है और ये बुढ़ापे की निशानी है कि चमड़ी को आपने थोड़ा सा ऊपर पकड़ लिया तो जल्दी से बैठेगी ही नहीं। तो देखिए तब हम लोग सोचते थे कि गुरु महाराज ने तो कितनी तपस्या की, त्याग किया, चारों धाम की पैदल यात्राएं की, इतनी बड़ी जागनी की, इतना सुंदर साथ का बहुत बड़ा उन्होंने सेवा भार उठाया, इसलिए बुढ़ापे की ओर उनका शरीर चला गया। हम लोग तो कुछ नहीं किए हैं इसलिए हमारा शरीर जवान ही रहेगा, ऐसी सोच हम लोग विद्यार्थी समय में रखते थे। पर धीरे धीरे देखिए हम लोग भी उसी मार्ग में चले जा रहे हैं, उसी किनारे में हम लोग चले जा रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं भुलावनी को बाजार है, इस शरीर में भूलो मत, हम अमर रहेंगे, अखंड रहेंगे, ऐसे भूल भ्रम पालना नहीं चाहिए। कोहेड़ासों लाग्यो करम, जैसे कुहर धुंध छा जाता है ना, अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही है भ्रम का अंधेरा छाया हुआ है। और कर्म किए जा रहे हैं लोग, कर्म किए जा रहे हैं, धर्म को भूल करके केवल कर्म क्षेत्र में लोग व्यस्त बने जा रहे हैं, फल कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ समय निकाल करके धर्म भी करें, पुण्य भी करें, सेवा करें और सत्कर्म करें, सत्संग करें, राज्य की शरणागति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। देखिए कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कर्म क्षेत्र में दिन रात खटना पड़ता है, 24 घंटा सोचिए कर्म क्षेत्र में खटे रहना पड़ता है। पर धर्म क्षेत्र ऐसा है कि आधा घंटा भी लगाओगे ना तो आधा घंटे का असर 24 घंटे बना रहेगा, इतना धर्म क्षेत्र प्रभावी है कि आधे घंटे में ही पूरा आपके जीवन में धर्म का संचार हो जाएगा। सुबह उठ करके आधा घंटा पूजा में लगाइए, राज्य की पूजा प्रेम से करके चरणामृत और प्रसाद पाइए, चंदन लगाइए, दिन भर उसका असर बना रहेगा। धर्म क्षेत्र में 24 घंटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा काफ़ी है, पर लोग आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं। देखिए निज नाम जपने का समय आता है ना तो जल्दी हम लोग जपते हैं, और गप सप करना हो तो आराम से करते हैं,
किसी के साथ कुछ बातें करनी हो, गपशप करना हो, तो लंबा लंबा समय लेकर के गपशप करते हैं। जब निज नाम जपो, 5 बार निज नाम जपो ऐसा कहा जाता है, तो फट 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 जप करके आंखें खोल देते हैं। हमने जप भी लिया तो आंखें नहीं खोलनी चाहिए, जब तक जयकारा नहीं लगता है ना आंखें बंद ही रहनी चाहिए, पर चंचल मन ये होने नहीं देता है, फट से आंखें खुली जाएगी। और रात को सोने से पहले 5 बार निज नाम जप करके सोएं, ऐसा हम मन में तो सोचते ही हैं, हर प्रणामी को हर सुंदर साथ को सोचना ही चाहिए कि सोने से पहले 5 बार कम से कम निज नाम जप करके सोएं। वो 5 बार भी इतने फटाफट हो जाता है, बाकी सोने से पहले बिस्तरा ठीक ठाक करते रहे तो 10-15 मिनट भी लग जाता है, और इधर उधर कपड़े खोले, कपड़े सोने के कपड़े पहने, तब में पूरा पूरा समय हम लगा देते हैं। जब निज नाम जप करके सोए होता है ना तो एकदम जल्दी लग जाती है उस समय, पर ऐसे समय में सोचना चाहिए, यही तो आत्मकल्याण का कार्य है, बाकी तो शरीर का क्या कल्याण होगा। शरीर के लिए पूरा समय हमने लगा दिया, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। ये निज नाम के जाप से ही तो परम गति और मोक्ष गति मिलेगी, परम धाम की प्राप्ति होगी, इसलिए इसमें हम जल्दी नहीं करेंगे, भले और काम में जल्दी हो जाए, राज्य की सेवा और राज्य की वंदगी में हम जल्दी नहीं करेंगे। जो समय हमने निश्चित किया है, आधा घंटा है, 5 मिनट है, 5 बार निज नाम जपने में लगभग 5 मिनट, एक बार का 1 मिनट लगा दीजिए, और फटफट आप करेंगे तो 20-25 सेकेंड में भी आप कर सकते हैं एक बार निज नाम का जाप। पर फटफट करने का क्या अर्थ हुआ, आधे अक्षर तो छूट ही जाते हैं, कभी कभी कोई लाइन ही छूट जाती है जल्दी पाठ करने से। इसलिए राज्य की भक्ति में कुछ समय, थोड़ा समय, पल भर का, खड़ी 2 घड़ी का कुछ समय राज्य की सेवा में लगना चाहिए, अन्यथा ये कोहेड़ा, ये माया मोह भ्रम अज्ञान अंधकार जो धुंध की तरह छाया हुआ है, इसमें भूले रहने से बाद में पछताओगे, और समय निकलने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं है। जैसे किसी को आप लोन देते हैं ना, लौटाता नहीं है तो पछताते रहते जीवन भर, पर वो देने से पहले सोचना होगा। तो ऐसे ही आप देखिए कि आप कभी कभी मन की बात किसी से कर लेते हैं तो 2-4 को वो सुना देता है, फिर जीवन भर आप पछताते हैं कि इसको मैंने क्यों कहा। कभी कभी ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं अपने जीवन में कि हम जीवन भर पछताते हैं। इसी तरह हमने राज्य को याद नहीं किया, अन्य कार्य में हम लगे रहे तो जीवन भर, मृत्यु आने के बाद वो आत्मा तड़पती रहेगी, पछताती रहेगी, जहाँ भी जाएगी, ऐसा सुंदर शरीर मिला, ऐसा सुंदर वातावरण मिला, ऐसा सुंदर गुरु का ज्ञान मिला, धिकार है हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, वो शरीर छूट गया, अब वो अवसर नहीं आएगा, वो समय निकल गया, सो निकल गया, तो आजीवन उस जीव को पछता, आजीवन क्या, मृत्यु के बाद जब तक वो जीव है तब तक वो पछताता रहेगा। इसलिए ऐसी पश्चाताप जीवन में न करना पड़े, इसके लिए प्रारंभ से ही जगें, समय से जगें, और समय से सत्मार्ग में लगें, सत्संग में लगें, राज्य की चर्चा और वाणी में हम लोग लगें। ये शिक्षा प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। रे जीव जी जिन करो या सुन ने हड़ा। तो आज एक ही चौपाय का सारांश रखा गया, कल भी रखेंगे, परसों भी रखेंगे, रोजाना रखते रहेंगे। तो आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, हमारे सिलीगुड़ी निवासी अरुण कुमार मित्तल जी हैं, और उनके परिवार की ओर से उनके सुपुत्र राहुल मित्तल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भंडारे की सेवा आई है। तो समस्त मित्तल परिवार और राहुल जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं जन्मदिन के अवसर पर। और धीरे धीरे हम लोग एक एक दिन करके होली महोत्सव, जो 85वां होली महोत्सव है, उसके करीब करीब हम लोग पहुँच रहे हैं, और हमारे सुंदर साध भी होली महोत्सव मनाने के लिए दूर दराज से पधार रहे हैं, संत गुरुजन भी पधारेंगे। रोज जो कार्यक्रम होना है आपको मैं चर्चा के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। अभी तो सेवा का मौका है, जो पहले आए हैं वो सेवा कर सकते हैं, बाद में आने वाले तो भीड़ में सेवा नहीं कर पाएंगे, पर शुरू शुरू में जो आते हैं, जो सेवा दिखे वो आप करके जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ
चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जाको सन्मुख नाही शरम, तासो नाही मिलवे को धराम। ए तो भूलवनी कोई भरम, कोहड़ा सो लाग्यो कराम, कोहड़ा सो लाग्यो कराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। Thank you.